अच्छी हैं वो 500 में कैसे होंगी। तो आप क्या करते हो, अपनी जो वॉन्ट्स हैं उसको आप फुलफिल ज़रूर कर रहे हो लेकिन अपनी नीड्स को कम कर दे रहे हो। जैसे आप जहाँ पहले रेस्टोरेंट में जाने वाले थे, आप रेस्टोरेंट में ना जाकर किसी नॉर्मल से आजकल तो कितने आपके छोटे छोटे नहीं कहते चौपाटी टाइप्स बने रहते हैं खाने पिलाने के लिए, तो आप वहाँ जाते हो, खा पी लेते हो, अपने फ्रेंड्स को खिला देते हो। फिर आपको मूवी देखनी है तो आप मूवी के लिए पैसा ना कर जो PVR में जाने वाले थे पैसा खर्च करके देखने के लिए, उसके लिए ना करके आप पेन ड्राइव में मूवी ले लेते हो, उसमें आप मूवी देख लेते हो। जो आप महंगा ड्रेस लेने वाले थे, अब आप ड्रेस बहुत महंगी ना करके आते हो, एक छोटी सी हैंकी ले लेते हो। आप जो काजू कतली लेकर जाने वाले थे अपने टीचर के लिए, उस पे आप कम आकर एक पाव मिठाई डब्बा ले जाते हो, फिर एक चॉकलेट लेकर जाते हो। तो इस तरीके से आपने अपने खर्चे को एलोकेट किया कि आपको कैसे अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो स्कार रिसोर्सेज हैं, उसको आप कैसे मिनिमाइज़ करोगे, कैसे अपने कम पैसे में अपनी जो अनलिमिटेड वॉन्ट है उसको पूरा करोगे। तो इकोनॉमिक्स हमारी क्या बताती है बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जो हमारे वॉन्ट्स होते हैं, हमारी जो वॉन्ट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो हमारे पास रिसोर्स क्या है यहाँ पे, मनी मनी हमारे पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वॉन्ट्स को किस तरीके से हमें पूरा करना है कि हमें सेटिस्फाई मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। तो लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वॉन्ट्स को पूरा करना जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, वो ही हमारा इकोनॉमिक्स है। यही चीज़ें हमें कैसे करनी है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये है हमारी जनरल डेफिनेशन कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स है क्या। फिर इकोनॉमिक्स जब हम लोग इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो अपनी खुद की इनकम देखेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन देखेगा। जब प्रोड्यूसर की नज़र से देखोगे तो वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। और अगर हम सोसाइटी की नज़र से देखें तो सोसाइटी क्या चाहेगी, जन कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर चाहेगी। ठीक है, जिससे कि सबका भला हो जाए, हम कुछ ऐसी चीज़ें करें। तो फिर हमारी जो इकोनॉमिक्स थी, इस बेसिस पे कुछ चार हमारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। फर्स्ट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हमारी एडम स्मिथ ने, जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है हमारे, एडम स्मिथ। ठीक है, फिर आती है बारी सेकेंड है, इन्होंने क्या दिया था, वेलफेयर डेफिनी वेल्थ